हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको डिफरेंट कम्पिटेटिव से एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एक्यू से रिलेटेड कोई भी न्यूज आता तो अपडेट करते रहता हूँ। आज भी मैं एक्यू से रिलेटेड ही आया हूँ, लेकिन आज मैं एक्यू का एक इंजीनियरिंग कॉलेज से के रिलेटेड हूँ। देखिए, जिसका आज मैं न्यूज अपडेट करने वाला हूँ वो है बीपी मंडल मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये कॉलेज में जो हम लोग का बिहार में टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एक हम लोग का मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये जो मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये ओल्ड बिल्डिंग में चलता था, जिसका नाम हम लोग SNPN स्कूल है, उसी का ओल्ड का उसी के कैंपस में हम लोग को चलता था। और न्यू जो बिल्डिंग हम लोग का है मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज का, बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मधेपुरा, तो ये हम लोग का हैंड ओवर और टेक ओवर हो गया। लेकिन ना ही तो अभी उसमें कोई फैकल्टी रहना शुरू किए हैं, ना ही तो हम लोग का क्लास चल रहा है, ना ही तो हम लोग का कोई भी सामान शिफ्ट किया गया था। लेकिन एक आज बहुत बड़ी खबर है मधुपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से स्पेशली रिलेटेड। आज से हम लोग का सामान शिफ्टिंग, जो हम लोग का बेंच टेबल मशीन जो हम लोग का है, वो सारा शिफ्टिंग आज से शुरू हो गया है। ठीक है, तो बात ये सारे बच्चे यही पूछ रहे थे, सर हॉस्टल कब से मिलेगा हम लोग को? ठीक है, हॉस्टल कब से मिलेगा? तो बहुत बड़ी खबर है, मैं एकदम क्लियर क्लियर आप लोग को बता, सभी लोग को बता दे रहा हूँ कि भाई अगर आज से सामान शिफ्टिंग हो गया तो कोरोना की वजह से थोड़ा कम होगा। लेकिन मुझे जैसा पता चला है, या जो जो मेरा विश्वास है, वो अप्रैल में ही आपको मिल जाएगा। मैं बार बार अप्रैल का ही नाम ले रहा था। तो भाई 20 अप्रैल के बाद अगर अभी शिफ्टिंग शुरू हुआ है तो 10-15 दिन काफी होता है, शिफ्टिंग में टाइम ही कितना लगता है। तो आपको अप्रैल लास्ट तक हर हाल में हॉस्टल मिल जाएगा। अब है कि सर हॉस्टल हम लोग को मिल जाएगा, तो एक प्रॉब्लम आ सकता है, वो है कोरोना। तो अगर लॉकडाउन होता है, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास हम लोग का कंटिन्यू चलता है, तो मधुपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज जब भी हम लोग का ऑफलाइन शुरू होगा तब आप लोग को हॉस्टल मिल जाएगा। तो देखिए, खबर एकदम क्लियर और साफ है कि हम लोग का मधुपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज में ओल्ड बिल्डिंग से न्यू बिल्डिंग में तमाम शिफ्टिंग हो गया है। तो अप्रैल के लास्ट तक आप लोग सभी बच्चे को हॉस्टल मिल जाएगा, कोरोना अगर नहीं रहा तो या घट गया तो। अगर कोरोना बढ़ जाता है इस पीरियड में, जो हम लोग का फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सबको फ्लैट मिल जाएगा। ठीक है, यानी सारा वर्किंग मोड जो है, यानी ऑनलाइन क्लासेस से है कुछ भी, वो सब हम लोग का न्यू बिल्डिंग। तो अप्रैल लास्ट तक सभी लोग को न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो कुर्सी टेबल हो, चाहे वो आपका बेंच हो, चाहे वो फैन हो, सारे के सारे सामान आप लोग का शिफ्ट कर जाएगा, आप सभी लोग को मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड। फिर भी अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ तो मैं जल्दी अपडेट कर दिया, क्योंकि बार बार आप लोग हॉस्टल हॉस्टल को लिए, तो अप्रैल लास्ट तक आप लोग सारे बच्चे को हॉस्टल मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर से लेके, ठीक है, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक वह सारे बच्चे को हॉस्टल मिले। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।